ये कमरा होगा जिसमें मैं स्टूडियो बनाऊंगा। टीचर मत बनना। ये एक डेढ़ बजे का टाइम था, मुझे रात के एक डेढ़ बजे पापा ने बोला, मम्मी क्या हुआ, मैंने कहा तो आप सभी को नमस्कार, सुशीष वाले यूट्यूब चैनल में। तो मैं भी आ रखा हूँ अपने कोटद्वार मार्केट में, और यहाँ पे आपने देखा होगा इतने सारे लोग खड़े हुए थे। तो ये सब लेबर लोग थे और सब दिहाड़ी में काम करने के लिए ही जा रहे थे, और ये सब लोग झंडा चौक खड़े रहते हैं और सुबह 6 बजे से लेके लगभग 8 बजे तक ये खड़े रहते हैं, और उसके बाद ये फिर अपने अपने काम पे चले आते हैं। जो जो लोग लेने आते हैं, जैसे मैं लेने आ रखा हूँ अभी एक लेबर, और फिर ये अपने काम पे चले जाएंगे। में तो वहीं पे ही कुछ काम करवा रहे हैं हम, तो उस काम को कराने के लिए ये देखो मैं भैया को ला रखा हूँ। और इनसे मैंने अभी पूछा कि भैया YouTube चलाते हो, तो उन्होंने बोला हाँ चलाता हूँ, गाना चला दूँ। तो गाना चलाने की बात नहीं है, मैं YouTube में वीडियो बनाता हूँ। ब्लॉग पता है क्या होता है? ब्लॉग पता है, वो जैसे लोग घूमते हैं वीडियो बनाते हुए जाते हैं, बातें करते हैं। हाँ तो मैं वही करता हूँ, जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना फोन में, और फिर इसको जोड़ जाड़ के सारी वीडियो, पूरे दिन की वीडियो, और फिर वो यूट्यूब पर डालता हूँ मैं। अच्छा, जैसे वो चलता है ना छोटा वाला बिस्कुट चलता है वीडियो। हाँ हाँ, वीआर डालते हो आप जो छोटे वीडियो की बात कर रहे हो ना। हाँ। मैं लंबा वीडियो डालता हूँ, 10-10 मिनट का, 12-12 मिनट का। जैसे ये है ना, ये जैसे ये। हाँ हाँ हाँ, ये तो छोटे छोटे वीडियो हो गए, 10-10 सेकंड के, 15-15 सेकंड के। मैं बड़े वीडियो डालता हूँ। तो आप बड़े बड़े डालते हो, हमारे बच्चे बहुत देखते हैं शौक से। हाँ बच्चों को तो शौक है, आजकल बड़ों को भी है वैसे, पर बच्चों को ज्यादा है। बच्चे याद देखते हैं। हाँ। आज भी बच्चे ले जा रहा था अपने, हाँ तो मोबाइल भी देर दो तो पापा ही छोड़ दो मोबाइल, वहाँ मोबाइल में ले जा रहा हूँ। ये देखो ये आ गया घर, यहाँ पे करना है काम। अभी जरा मकान देखते हैं अंदर से क्या हालत चल रही है, अभी पूरा खाली हो चुका है यहाँ पे। ये देखो ये कमरा होगा, अभी लाइट नहीं, हमें लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ सब ये कमरा होगा जिसमें मैं स्टूडियो बनाऊंगा, और हालत तो थोड़ी जरा अभी पतली सी है, लेकिन करेंगे ऐसा कुछ ठीक ठाक करेंगे इस कमरे को। कंडीशन ठीक लग रही, फर्श साफ कर रखा बस, फ्लोर साफ है बाकी। मैं तो सोच रही जैसे पूरा नया देके जाएंगे वो। नया नहीं पर यार फिर भी तुमने इन दीवारों में अगर तुमने गंदा कर रखा तो कम से कम पानी डाल के एक बार साफ तो करके जाओ, देख के तो जाओ। बाहर जो कूड़ा है वो कूड़ा छोड़ के चली गई है, क्या बात है। ये होते हैं ऐसे खड़ूस लैंडलॉर्ड, और एक पापा है, पापा को कोई मतलब ही नहीं है। जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है, अब मम्मी आ चुकी है यहाँ पे, अब मम्मी संभालेंगे यहाँ। और ज्यादा जो भैया आ रखे हैं उनसे ज्यादा वो मत करना, उनको सिखाने की कोशिश मत करना कि तुम्हारा काम क्या है, ठीक है। पानी पिलाना ना, चाय पिलाना, बस पानी चाय ये सब पिलाना, टीचर मत बनना भैया, ऐसे किया जाता है काम ये, ठीक है। चलो बाय। ठीक है भैया मैं अभी आता थोड़ी देर में, अब वो मम्मी है मेरी, कुछ चाहिए होगा तो उन्हें बोल देना। ओके पहली बार इतनी देर तक मैंने बिना गियर की गाड़ी चलाई है, इसमें क्लच भी नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, और इतना अजीब लगा है ना चलाते हुए। इतने सालों से क्लच क्या आता है, इसमें क्लच है ही नहीं, तो डर लग रहा था कि कहीं मैं ब्रेक के जगह एक्सीलेटर न दबा दूं, मतलब बड़ा ध्यान से चलाना पड़ रहा है इस गाड़ी को। पर एक चीज समझ में आ गई चला के कि मेरे लिए तो नहीं है ऑटोमेटिक, मेरे लिए तो मैनुअल ही बेस्ट है। हाँ मतलब अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और बहुत ट्रैफिक है तब तो मैं समझता हूँ, कि अभी मैं 2-3 बार दिल्ली गया था तो मेरा पैर दर्द हो गया था क्लच दबा दबा के, तो वहां के लिए ठीक है गाड़ी, लेकिन जैसे हमारे पहाड़ है वहां के लिए तो बेस्ट है मैनुअल गाड़ी। ये मेरा एक पैकेज आ रखा है, अभी खोलो जरा इसे, ऐसे फाड़ो जरा, जान लगा दो, दुनिया जहान की जितनी जान है। फोन पकड़ो इसे। क्या है ये चश्मा? बना दिया बेवकूफ। हेलो बिस्किट चाहिए ना? और कुछ? मम्मी तलियाना कौन कहना? मम्मी के पास स्कूटी है अपनी, अपने आप आएंगे। तो क्या मैं दोस्ती गाड़ी में है। चल फिर ठीक है, बाय। चलो किसी मिलते हैं।
तो दोस्त को मैं टाटा बाय बाय करके वापस अपने घर पे आ गया था, यहाँ जो काम चल रहा था। और साथ में जो आपने देखा होगा, मैंने चश्मों की अनबॉक्सिंग करी थी, तो ये मैंने ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम में एड्स आते हैं, जो वहाँ पे आ रहा था एक चश्मा बना हुआ, वो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत ही यूनिक सा था, तो मैंने सोचा चलो इसको ऑर्डर कर लेता हूँ। लेकिन जब वो आया मेरे पास, और ये 1000 रुपये का चश्मा है, और अगर मैं बाहर से ले लूँगा ना तो ये मेरे को 150 या 100 रुपये में भी मिल सकता है। लेकिन उस इंस्टाग्राम के ऐड से जो मैंने ऑर्डर किया था चश्मा, वो तो आया नहीं, उसकी जगह ये आ गया। तो बस मैं ट्राई करना चाह रहा था एक बार मैं देखता हूँ कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं चाह रहा था कि एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपना, लेकिन अब मुझे असलियत पता चल चुकी है। तो इसलिए आप कभी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई भी ऐसे ऐड्स आते हैं जहाँ पे चश्मे बने हुए आते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आता है, ईयरफोन बना हुआ है, लैपटॉप बना हुआ है कि इसमें काफ़ी सेल चल रही है, तो बिल्कुल भी कभी भी कुछ भी मत खरीदना। सिर्फ ट्रस्टेड साइट से खरीदना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और भी जितनी भी साइट्स होती हैं जो ठीक ठाक हैं, जो ट्रस्टेड हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है फेक वाली चीज़ें। तो वो तो अच्छा है कि मेरे पे चश्मा आ भी गया वरना मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि चश्मा आएगा ही नहीं। और साथ में मैंने कैश ऑन डिलीवरी लिया था ये, तो जब चश्मा आ गया फिर मैंने पैसे दिए, तो मैं वही देख रहा था कि असली आता है कि नहीं आता। बट चलो कोई बात नहीं, यही मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। और जो साथ में अभी घर की हालत रखी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इसको अभी जरा ढंग से अंदर जिस कमरे में मैं रहूँगा सिर्फ उसी कमरे में पुताई कराऊंगा, और बाकी कमरों में तो अभी नहीं करूँगा क्योंकि कोई रहेगा नहीं उसमें। तो अभी चलते हैं, जो लेबर को मैं सुबह लाया था उसने भी अपना काम कर दिया, अब उसको वापस छोड़ के आता हूँ जहाँ से मैंने उसे सुबह उठाया था। खींचो, हाँ कितने बजे आओगे फिर कल? 8:15 बजे मिल जाऊंगा। 8:15? हाँ, कोड़िया पे। रास्ता आप बोले थे कि मैं 6 बजे पहुँच जाता हूँ। ऐसा ना, बस भी थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती है। अच्छा, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, 7 बजे आ जाओ। 7 बजे नहीं आ पाऊंगा। ठीक है चले फिर। अंगूर का गुच्छा है सर ना, अंगूर का गुच्छा। वीडियो फोन में बात करते करते वीडियो मत बना यार, महारानी का वो फील लेना है। हाँ। खुद ही खिलाना है खुद को। अच्छा लगता है मेरे को ऐसे। तो आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया था मैं, और उसके बाद जो भी काम थे वो करने लग गया था मैं। तो एक चीज तो मुझे अच्छी लगी कि भले ही सुबह उठने में थोड़ी आफत आती है, लेकिन पूरे दिन फिर ज्यादा काम कर पाते हैं, और लगता है कि भाई आज कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। फावड़ा चलाया, क्या काम करा? फावड़ा भी चलाएंगे, अभी चला देंगे। हमारा क्या है? फावड़ा भी हम तो मिस्त्री आदमी है। फावड़ा थोड़ी चलाता है मिस्त्री। क्या चलाता है फिर? हथौड़ा चलाता है। फावड़ा मजदूर चलाता है, मट्टी भी मजदूर ढाल रहा। अच्छा ये तो बताओ मेरे को, कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं समझा मैंने, जब मम्मी ने भी पकड़ा होगा तो कुछ नहीं समझा। फिर पापा आया, पापा ने बोला मम्मी क्या हुआ, मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो ये 1:30 बजे का टाइम था, मुझे रात के 1:30 बजे। फिर मैंने कहा क्या पता सुबह हो गई होगी, मैंने कहा तुम जा लो अपने काम पे। काम पे मैंने कहा ना तब तो उठे होंगे ये, तो बोला अभी कहाँ, अभी तो 1:30 बज रहा। तो फिर वो उसमें आ गई। तो कल हुआ ऐसा कि दादी जब टॉयलेट करने गई रात को 1 बजे, तो एकदम से थोड़ा चक्कर से आ गया दादी को, और अच्छी किस्मत की बात ये रही कि मम्मी को भी उसी टाइम पे 1 नंबर आया। तो दोनों का टकराव हुआ टॉयलेट के सामने, वो आ गई थी वहां से, और दादी को पता नहीं क्या हुआ एकदम से दादी चक्कर आ गया, और एकदम नहीं गिरी पर मतलब धीरे धीरे नीचे बैठ गई, और तब मम्मी ने देख लिया, तब मम्मी ने पकड़ा। सोचो अगर आप अकेले होते तब। अरे कुछ चीज करने लगती तो फिर अपने आप से हो जाता वो ठीक। हाँ थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। हाँ ये तो है, हो रखा ना कई बार का। हाँ कई मतलब 3-4 महीने में एक बार हो जाता है दादी को। आपके बाद ज्यादा दिन में हुआ। हाँ इस बार काफी दिन हो गए थे, मतलब 7-8 महीने हो गए होंगे। हाँ ऐसे हो गए होंगे। बट चलो अब थोड़ा ठीक लग रही है। अब जान है, जान है। जान है। अरे कहाँ है जान, कुछ नहीं है। सुबह भी खा के थोड़ी देर ठीक लगा, फिर ऐसी हरारत सी होने लगी कि लेट जा, फिर लेट ही रही। दादी को लग रहा है घुमाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया उसे दबा दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर व्लॉग बनने अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में क्या करना है? लाल बटन दबा देना नीचे। नहीं लाल बटन तो मैंने बता दिया। अब क्या बोलना? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है? शेयर करना। हाँ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल देन, बाय बाय। टेक केयर। जय भद्र विशाल, जय फलाना विशाल की जय हो, केदारनाथ की जय हो। जल्दी जान आ जाए। जान क्या आनी है, जब आँख होते तो घूमती फिरती तब जान आ जाती, जान तो थोड़ा थोड़ा करके जाती।